बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंद्रमा कहते हैं और मैं बहुत अच्छा हूँ संजय सर, आप कैसे हैं? आज आग और सुहाग की फिल्म का मुहूर्त हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी फिल्म आग और सुहाग का मुहूर्त हो रहा है, काफ़ी लोग आए, इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरह की कहानी है? फिल्म पूरी पारिवारिक है, कहानी तो हम नहीं बताएंगे लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस फिल्म से बेटर फिल्म बनी नहीं है। पूरी पारिवारिक फिल्म है, जो पहले होता था हमारे परिवार में वो उसको दर्शाया गया है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। रवि यादव जी को लोग चंबल बॉय क्यों कहते हैं? चंबल बॉय इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं चंबल से आता हूँ, MP मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन इटावा मैनपुरी में मेरे बाबा जी रहते थे, तो MP से बहुत बड़ा लगाव रखता है। मेरा बचपन MP में बीता है, हालांकि मैंने पढ़ाई MP में जरूर की है लेकिन ज़मीन हमारी UP में है, तो UP से बहुत बड़ा लगाव है। मुरैना जिला चंबल में आता है तो इसलिए चंबल का कहते हैं। सिनेमा आपके लिए कितना बड़ा मायने रखता है ये? सिनेमा बहुत बड़े मायने रखता है और अगर मैं सिनेमा से प्यार नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। मुझे लगता है सिनेमा ने भी मुझे बहुत प्यार किया है क्योंकि दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं अब तक, हालांकि फिल्में नहीं आई हैं लेकिन बहुत पब्लिसिटी मिली है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और कौन कौन से फिल्म में आपके साथ कलाकार जुड़े हुए हैं? जी सर, इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार हैं आपके साथ? मेरे साथ भोजपुरी के सबसे बड़े अभिनेता खलनायक कह सकते हैं, सब कुछ है वो, संजय पांडे जी, उसके बाद जय नीलम जी हैं, मेरी फिल्म को स्टार श्रुति राव जी हैं, अनु पांडे जी हैं, अनिता सहगल जी हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, निर्माता के बारे में? डायरेक्टर संजय वत्सल जी हैं, हमारे बहुत खास हैं, उन्होंने ही ये फिल्म मुझे ऑफर की है, हम लखनऊ में मिले थे तो उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और इज़ वेरी जेंटलमैन पर्सन, बहुत अच्छी व्यक्ति है और बहुत अच्छी व्यक्ति है। प्रोड्यूसर राकेश चंद्रा जी ने उनका भी बहुत अच्छा योगदान है, इज वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छी व्यक्ति है। ये शूटिंग आज से कहाँ पर कहाँ शुरू की जाएगी, कब तक चलेगी? अभी यहाँ सिद्धार्थनगर बांसी में शूट कर रहे हैं, उसके बाद अगली लोकेशन डायरेक्टर बताएंगे वहाँ जाएगा। कितने गाने हैं यूपी में करने वाले हैं? कितने गाने हैं और गाने में क्या कुछ खास होगा, क्या अश्लीलता इसमें होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, इसमें करीब 6-7 गाने हैं और ये भी मैं बोल सकता हूँ, मधुकर आनंद जी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये भी मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि इस फिल्म के अगर आप गाने सुनेंगे ना तो सारे फिल्मों के गाने भूल जाएंगे, क्योंकि जो मधुकर जी ने जिस टोन में गाने बनाए हैं बहुत बहुत उमदा गाने हैं, जो पुराना फ्लेवर लेकर आए, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी से बहुत गायब हुआ था वो फ्लेवर मधुकर जी लेकर आए हैं। सबसे बड़ी योगदान डायरेक्टर का है संजय वत्सल जी का, उन्होंने खुद बैठकर गाने बनवाए हैं और बहुत मेलोडीज गाने सर, जिससे भी मिलता हूँ सब लोग सपोर्ट करते हैं, इवन दिलेश जी से मेरी मुलाकात थी, मनोहर सर से, बहुत अच्छी व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी मुलाकात है, खेसारी से मुलाकात है, प्रवेश जी से मुलाकात है, इवन प्रवेश जी के साथ हम लोग मैच भी खेले हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको काम दिलाएंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत है और आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो अगर उसका बहुत बड़े अभिनेता टावर की बात करते हैं तो मैं कहूँगा वो टावर है इंडस्ट्री के, आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अगर दिलेश जी, पवन जी, खेसारी जी सब लोग नहीं होते, चिंटू जी सब लोग नहीं होते तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री होती? मनोज जी ने छोड़ा, रवि किशन जी ने छोड़ा तो इन्होंने उसको पकड़ा है, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत उथल पुथल चल रही है अश्लीलता को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे पता नहीं क्या अश्लीलता चल रही है, अभी मैं बिजी हूँ आगर सुहाग। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला है जो भी अश्लील फिल्म बनाएगा उसे बैन कर दिया जाएगा, इस पर अभी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है, तो इतना अच्छा बड़ा कदम है जो अब तक उठ जाना चाहिए था। मैं तो चाहूँगा कि जो अश्लील गाने भी बनते हैं उनके लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, उस पर क्या मेंटेलिटी बनी सर, मैं आपको बताता हूँ कि 2-4 गाने हिट कर लो चाहे गंदे गा लो और वो हीरो बन जाएंगे, उसकी शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, हाइट नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने जिसको टावर बोला वो भी तीन उस श्रेणी में आते हैं और उस तरह के गाने रिलीज कर रहे हैं, अभी कहाँ रिलीज कर, कौन सा गाना रिलीज हुआ, क्या अच्छे गाने नहीं बने सर, गाने तो अच्छे भी बने हैं ना। तो और भी कई सिंगर हैं जो इंडस्ट्री में जो इस तरह के गाने गा रहे हैं, उन लोगों को कुछ गाना चाहेंगे? कौन गा रहा है, मैं तो जानता नहीं, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ तो मैं उतना ही कह सकता हूँ। सबसे अच्छा गाना किसका लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? पवन जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पवन सिंह जी बहुत बहुत, उनसे अच्छी आवाज़ किसी की भी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा लगता है। और ट्रेंडिंग की बात करें तो गाने की, इवन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी से बड़ा भी हो नहीं सकता है, क्या उनमें क्या गाना उनका ट्रेंड करता है तो उससे बड़ा आप क्या सोच सकते हैं, उनमें क्या कुछ खास रहा? खास ये देखिए कि एक पहले तो नहीं था लेकिन जब
एक हीरो की जो खासियत होती है, उन्होंने अपने जिम में पसीना बहाया, इतनी अच्छी बॉडी बनाई, तो ये भी एक मेहनत है बहुत बड़ी, और पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी मेहनत होती है, ट्रेंडिंग में आना बहुत बड़ी मेहनत होती है, तो हर व्यक्ति ट्रेंडिंग में नहीं आ सकता ना, तो उन्होंने ट्रेंडिंग में वो देसी एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, ताकि भोजपुरी मंडी से जुड़े हुए हैं। आग सुहाग के बाद क्या नेक्स्ट है? इसके बाद बहुत कुछ नेक्स्ट है, जब आप अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने सभी लोगों ने मुझे रवि यादव को बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बस ऐसे ही देते रहिए, प्यार मोहब्बत करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा काम करूँ, आप सभी के दिलों में जगह बना सकूँ, बस सर बहुत। रवि जी बहुत स्वागत, कैसे हैं? सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी प्यार से और बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। श्रुति जी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अनु जी? बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद अभी शुरू कर रहे हैं। आज आग और सुहाग का मुहूर्त हुआ, रवि जी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी फिल्म आग और सुहाग का मुहूर्त है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, एकदम पारिवारिक फिल्म बनने वाली है, बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, हालांकि मैं तो नया हूँ लेकिन मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़े स्टार है, संजय जी हों, एनके जी हों, अनु जी हों, कोई भी स्टार हो, सब लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारी पूरी टीम को बधाई दीजिएगा। श्रुति जी क्या कुछ कहेंगे? आपके को स्टार रवि यादव जी हैं, फर्स्ट टाइम काम करने जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवि जी के बारे में कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं, उनका अभी इन्होंने इससे पहले किया था पंचांग किया था, एंड सेकेंड हुए इनकी मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए, और ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा करें रवि जी और अपने आप को प्रूव करें और इंडस्ट्री में और भी ढेर सारी फिल्में करें और एक अच्छे हीरो बताऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छा करेंगे, काफ़ी इनके अंदर जुनून दिखने में लग रहा है कि श्रुति जी ये बताइए ना, श्रुति जी वो बताएंगे, तो इस वेरी नाइस पर्सन, अच्छा करेंगे, इनके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। अनु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू बोलना है हमारे डायरेक्टर संजय सर को, संजय श्रीवास्तव जी, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है आग और सुहाग का, और इसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो भी बबली कबली का टाइप ऑफ ही है, इनकी नाम रहता है, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं जो स्टार है वो बहुत ही मिलन सहार हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और मैं एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा सा चाहूँगी कि मैं दो लाइन ज़रूर अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं घर बैठे मनोरंजन ज़रूर उनका कर पाऊँ, तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, पग पग ले जाऊं तुहरी बलैया, पग पग ले जाऊं तुहरी बलैया, मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग ले जाऊं तुहरी बलैया, पग पग ले जाऊं। फिल्म में श्रुति राव जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म की हीरोइन श्रुति राव जी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलूँगी कि मुझे भी वो गले का गले, मैं भी उनको बोलती हूँ, गले लगा लीजिए। रवि जी आज इस शहर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, पहली फिल्म शुरू हो रही है यहाँ पर? पहली फिल्म है और बातचीत में पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहले घूमने लोग बहुत अच्छे हैं, लोकल से काफ़ी लोगों से मिला है,
मेरे दोस्त भी यहाँ पे काफी सारे हैं, बट बहुत अच्छा लगा सर। आज गेस्ट ग्रुप में कौन कौन से यहाँ के अधिकारी लोग आए हैं जरा बताएं दर्शक। IAS आए थे सर, एसडीएम साहब जे पी सर थे, उसके बाद हमारे मित्र के पी सिंह जी थे, एसपी जो है, बहुत अच्छे से। सिनेमा के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की फिल्म बन रही है आग सुहाग? ये फिल्म आग और सुहाग बहुत ही पारिवारिक, एकदम पूरी पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को आप माताएं बहनें सबके साथ बैठ कर देख सकते हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ सीन को दर्शन, बीबी को छोड़ कर सबके साथ बैठ कर देख सकते सिर्फ है नहीं, वाइफ को भी बैठ सबके साथ देख, परिवार मतलब फैमिली ड्रामा। श्रुति जी कैसे हैं गाने सिनेमा में, कुछ बताएं दर्शकों को। फिल्म के गाने बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आपने, बहुत प्यारे गाने बने हैं। इवन मेरे पास जितने भी सॉन्ग्स आए हैं, मैंने जितने भी गाने सुने हैं, चार पांच जो भी मेरे पास मिला है, बहुत ही प्यारा गाना है, लिरिक्स बहुत प्यारे, म्यूजिक बहुत प्यारा। और कौन कौन से आर्टिस्ट फिल्म से जुड़े हैं जरा बताएं दर्शकों को। फिल्म में संजय पांडे जी हैं और जिनीला मैडम है, स्मृति राव जी हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। संपूर्ण एक जो फिल्म होती है रियल में बहुत बड़ी बड़ी स्टार दर्शक। फिल्म के प्रोड्यूसर में कुछ कहना चाहेंगे? वेरी जेंटलमैन पर्सन, पूरा दिल खोल के खर्चा कर लें, थोड़ी सी कुछ कमी आ गई थी, कहीं पानी नहीं पहुंच पाया था, मतलब एक पैकेट पानी लेके था पूरा। अच्छा लगता है स्टार को भी, जो हम लोग काम कर रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर खर्चा नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर अगर हमारी मदद नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हमारे मन में कहीं रहता है कि इनसे मांगे या नहीं मांगे। जो चीज़ें होती है समय पर पहुँच जाती है, नाश्ता हो, खाना हो, सब कुछ समय पर पहुँच जाता है। हीरोइन का कितना ध्यान रखते हैं आप ये बताइए? पहली बार मिली है तो ध्यान रखेंगे। अच्छा पहली बार मिली है, पसीना आ रहा है। अनु जी और कुछ जानकारी देना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में यही बोलूंगी, सेम आंसर मेरा भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि भोजपुरी की एक धारणा बन जाती है ना कि आप फैमिली को लेकर नहीं जा सकते या नहीं देख सकते, तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी बच्चों से लेकर बूढ़े तक इनको हर कोई देख सकता है। उनके गाने की कंपोजिशन बहुत प्यारे, शब्द बहुत प्यारे हैं, और स्टोरी भी ऐसी है कि शायद आपने पहले कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें सरप्राइजिंग भी हैं, मैं आपको बता तो नहीं सकती, उसके लिए आपको मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। और बस आप सबसे यही बोलूँगी कि आप सब जरूर मूवी देखें और अच्छी लगेगी आपको। श्रुति जी कैसा लगा पहला दिन बांसी शहर में आके आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्मी है और कुछ कह नहीं सकते हैं, अच्छा ही अच्छा लग रहा है। बस शूट कर रहे हैं, माइंड में ये चल रहा है कि मुहूर्त कम्प्लीट हो गया, फर्स्टली अपना कोई एक शॉट देख ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भी काम शुरू। धन्यवाद मैडम सबको, बाय बाय। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, हम चाहते हैं प्रोड्यूसर का आप इंट्रोड्यूस कराएं हमारे दर्शकों को। राकेश चंद्रा जी हैं, प्रोड्यूसर हैं, और अभी अभी इस भोजपुरी फिल्म में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, अच्छे प्रोड्यूसर की तरह जो है पूरा बहुत ही अच्छे बजट के साथ अभी लगातार उनकी साल में चार फिल्में आएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि साहब अपने बारे में कुछ और बताएंगे। सर आप कहाँ के रहने वाले हो, भोजपुरी फिल्म बनाने का प्लान कैसे किया आपने? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में हूँ, और यहाँ पर हमें जो पता चला, हमने जो देखा, तो वहाँ का जो आधा उत्तर प्रदेश जो है भोजपुरी और अभी बोली से ही, तो और यहाँ के जो सरकार है हमारी वो भोजपुरी फिल्मों को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो मेरी संजय से मुलाकात हुई और हमें सारी चीज़ें देखने के बाद ये महसूस हुआ कि हम भोजपुरी फिल्म से शुरुआत करते हैं, ये मेरी पहली फिल्म है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें। फिल्म में किस किस को अपने कास्ट किया, हीरो हीरोइन? फिल्म में हमारे हीरो हैं रवि यादव जी, रोहित चंद्रमला के नाम पर, और जो हीरोइन है वो स्मृति राव है, उन सब कई फिल्में आ चुकी हैं, और एक अहम रोल है संजय पांडे जी ने, बहुत ही अहम रोल है, और साथ में है जय नीलम जिनको जिनके चलते जाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, सभी लोग जानते हैं। साथ में है अनिल पांडे, वो भी अच्छे कलाकार हैं, संतोष पहलवान जी हैं, संतोष पहलवान जी हैं, विजय वर्मा जी हैं। संजय जी आपसे क्वेश्चन, इसमें पहले फोटो में देखा गया था अवधेश मिश्रा विलेन थे, अभी संजय पांडे जी, क्या कैसे कुछ चेंज हुआ है? मुझे लगा कि बेटा संजय पांडे ही रहेंगे। हाँ तो ये एक बैग आपने रिप्लेस कर दिया है, करना पड़ता ना भाई। आप शकील जी राइटर हैं, इस पे क्या संजय पांडे फिट बैठते हैं अजय विलेन जी? हाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि फिट है, कभी हमने संजय जी को लिया गया, संजय पांडे जी को लिया गया। और कोई कलाकार चेंज हुआ है या नया जुड़ा है?
नहीं सारे सभी लोगों से एग्जीबिशन। कब तक यहाँ शूटिंग चलने वाली है पूरी? मेरे ख्याल से 2 अगस्त तक। 2 अगस्त तक चलेगा। सर बांसी आपने क्यों चुना, शहर चुने शूटिंग के लिए? यहाँ की बोली, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का रिवाज, यहाँ के लोग, इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी छोटी जगह इसको बढ़ावा मिलेगा। हमारे डॉक्टर साहब का ये जैसा क्षेत्र भी है, हम भी चाहते हैं कि क्षेत्र बढ़ावे लखनऊ के पास है। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.